एवरीवन, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर डूइंग चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री सेगमेंट ऑफ क्लास 9, व्हिच नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर। वी हैड ऑलरेडी डन सम पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, यू कैन चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर देयर लिंक्स। ओके, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, कि प्योर सब्सटेंस के टाइप्स क्या होते हैं। हमने जो हमारा फर्स्ट वीडियो था इस चैप्टर का, उसमें ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया हुआ है कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसके टाइप्स करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे सेशन। यहां पे हम बात करेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। ओके, तो प्योर सब्सटेंस हमने बात की थी, डेफिनेशन की बात की थी, तो उसमें क्या हमने पढ़ा था कि जो सेम काइंड के पार्टिकल्स से जो सब्सटेंस मिलके बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। द सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दे आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। ओके, और आज हम उसके टाइप्स करने वाले हैं। तो टाइप्स में हम देखेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू टाइप्स। वो क्या क्या है, एक है एलिमेंट्स और अनदर है कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स की डेफिनेशन की बात करें तो उसमें क्या आता है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। ऐसा बेसिक फॉर्म जिनको हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हीट देकर या फिर उनको कूल करके उनको हम केमिकली जो है उनको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कंपाउंड्स पे। कंपाउंड्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट, ऐसे सब्सटेंस जो मिलकर बने हों, किससे, दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बने हों, केमिकली बाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और वो क्या हो, केमिकली बाउंड हो, एक दूसरे से बाउंडिंग बनाई हो उन सब्सटेंस ने एक दूसरे के साथ, एक पर्टिकुलर रेशियो के साथ, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन के साथ। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की, अब हम यहां देख रहे हैं कि कंपाउंड कैसे बन रहा है, जब दो और दो से ज्यादा एलिमेंट को मिलाया जा रहा है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को जब कंबाइन कर रहे हैं तो कंबाइन करने के बाद क्या बन रहे हैं, वो कंपाउंड्स बन रहे हैं। और उस टाइम पे हम देखेंगे जो कॉम्बिनेशन बना है, कंपाउंड जो बना है वो क्या होगा, वो अपने जो एलिमेंट्स थे जिनसे वो बने थे उनकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफर होंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, मेन एक बेसिक प्रॉपर्टी है कंपाउंड्स का। ठीक है, अब हम यहां पे बात करेंगे कि एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को हमने क्या कहा कि उसको हम केमिकली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि एलिमेंट्स के थ्री टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप जो हम बात करेंगे वो है मेटल, सेकेंड टाइप इज नॉन मेटल्स, एंड थर्ड टाइप इज मेटलॉइड। ओके, तो यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले मेटल की, कि मेटल हम किसको कहते हैं, मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे हैव लस्टर, जो मेटल्स होते हैं उनमें लस्टर होता है, उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, क्वालिटी होती है कि वो लस्टर होते हैं, वो शाइन करते हैं। ठीक है, अनदर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, उनका जो कलर होता है वो क्या होता है, सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन येलो कलर होता है उनका, उससे हम उनको कलर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उनकी एक प्रॉपर्टी और क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि वो क्या करते हैं, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कॉपर को,
कॉपर एक एलिमेंट है जिसको कि मेटल में रखा गया है और कॉपर के वायर्स बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक जो वायर्स होती हैं उनके अंदर कॉपर वायर्स को यूज किया जाता है, क्योंकि जो कॉपर है वो एलिमेंट है और वो क्या करता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में इजीली वो कंडक्ट कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए जहां पे हमें इलेक्ट्रिक वायर की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम कॉपर वायर्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, तो वो जो प्रॉपर्टी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आर डक्टाइल, मेलिएबल एंड सोनोरस। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मीन्स कि उनको हम क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम थिन वायर बना सकते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, उनको हम क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अनदर प्रॉपर्टी इज मेलिएबल। मेलिएबल क्या होता है, मेलिएबल मीन्स कि उनको हम क्या कर सकते हैं, हैमर से पीट के उनको सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन थिन सीट्स में वो कन्वर्ट हो सकते हैं, मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है कि उनको हम क्या कर सकते हैं, सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन सीट में विद द हेल्प ऑफ हैमर। जो हमने देखा है जैसे गेट्स जो बनते हैं वहां पे आयरन को क्या किया जाता है, उनके लंबी लंबी शीट्स बनाई जाती हैं, पतली पतली शीट्स बनाई जाती हैं, उनको क्या किया जाता है, हैमर से उनको पीट के उनको क्या बनाया जाता है, शीट्स की फॉर्म में बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आयरन होता है वो भी क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, मेटल का। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें थिन वायर्स में, तो हमने अभी बात की थी कि थिन वायर्स में किसको कन्वर्ट किया जाता है, जो कॉपर वायर्स होते हैं जिनको कि इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया जाता है, उनको हम क्या करते हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है कि वो डक्टाइल इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो कॉपर भी क्या हुआ, एक मेटल के अंदर आता है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे यहाँ पे सोनोरस क्या है। सोनोरस मेटल्स के अंदर एक क्वालिटी होती है, सोनोरस मीन्स कि वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब उन पे हिट किया जाता है तो वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनसे जो है आवाज आती है। तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है मेटल की। ठीक है, सोनोरस मीन्स साउंड प्रोड्यूस करना। सोनोरस प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट्स, जब उनको हिट किया जाता है तो वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई मेटल के अंदर। इनके एग्जांपल की बात करें तो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, आयरन, मरकरी एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, एग्जांपल हैं किसके, मेटल के। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स के अंदर जो है प्रॉपर्टीज क्या क्या आएंगी, वो होंगी जैसे कि वो नॉन लस्टर होते हैं। हमने यहाँ मेटल में बात की थी, अगर कंपेयर किया जाए तो मेटल जो है वो लस्टर होते हैं, शाइन देते हैं, बट जो नॉन मेटल्स है वो क्या करते हैं, वो शाइन नहीं देते, वो नॉन लस्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिस्प्ले वेराइटी ऑफ कलर्स। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल की, कि वो क्या करते हैं, वेराइटी ऑफ कलर्स डिस्प्ले करते हैं। और क्या है प्रॉपर्टी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। पुअर कंडक्टर्स मीन्स कि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन नहीं होने देते, हीट को पास ऑन नहीं होने देते हैं। ठीक है, इनका ये क्या है, प्रॉपर्टी है, जो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं मेटल से तो वो बिल्कुल ही क्या देख रहे हैं, अपोजिट प्रॉपर्टी है। ठीक है, आर नॉट मेलिएबल और सोनोरस। ये जो क्या होते हैं, मेलिएबल भी नहीं होते, इसका मतलब कि इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं, इनको पीट कर
हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये मेलिएबल नहीं है। सेकेंड वन इज और सोनोरस भी नहीं है। सोनोरस मीन्स कि जब हम उनको हिट करते हैं तो वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, इन केस ऑफ नॉन मेटल की हम बात कर रहे हैं। नॉन मेटल का अगर एग्जांपल देखें तो वो क्या है, हमारा ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, क्लोरीन एसेट्रा। ठीक है, ये सारे जो यहाँ पे हम एलिमेंट्स देख रहे हैं वो किसमें आ रहा है, नॉन मेटल के अंदर आ रहा है, क्योंकि इनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, थर्ड वन इज मेटेलॉइड्स, कि मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहाँ पे हमने देखा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इन दोनों में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी, बट इनके जो इंटरमीडिएट एक एलिमेंट आता है जिनमें हो सकता है कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी हो सकता है कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी हो, तो उसको किस में रखा गया है, उसको रखा गया है मेटेलॉइड में। तो इसमें हम कह सकते हैं कि दे हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनकी जो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है किसकी, मेटेलॉइड की, वो क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है, मतलब बीच में होती है, कुछ मेटल्स से मैच कर रही होती हैं, कुछ नॉन मेटल से मैच कर रही होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे सिलिकन है, सिलिकन एक एग्जांपल है मेटेलॉइड का, अगर उसको रूम टेम्परेचर पे आप रखोगे तो वो बिहेव करेगा किसकी तरह, नॉन मेटल्स की तरह, वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो पुअर कंडक्टर उस टाइम पे होगा। बट उसको अगर हम रूम टेम्परेचर से, वो रेज होता है टेम्परेचर वहां पे, अगर रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होता है तो वहां पे वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, मेटल्स की तरह बिहेव करने लगता है, वहां पे वो कंडक्शन करने लगता है, इजीली इलेक्ट्रिसिटी उसमें से कंडक्ट होने लगती है। तो ये जो है एक एग्जाम्पल है सिलिकन, जो की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो की यूज किया जाता है बेसिकली। अगर आप देखोगे आज की डेट पे हम देखते हैं कि सन रेज को, सन जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स है, ठीक है, और सन रेज को क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जाता है, और वहां पे हम देख रहे हैं ना कि सन रेज को स्टोर करके क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा रही है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, और उसको हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हेल्पफुल होते हैं वो कौन हेल्पफुल होता है उसके लिए, उसके लिए वहां पे सिलिकन यूज किया जाता है। ठीक है, सिलिकन के सेल्स बनाए जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सिलिकन जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलिकन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, ये सारे किसमें आते हैं, मेटेलॉइड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, यहां हमने आज बात की है कि प्योर सब्सटेंस के अंदर टू डिविजन हुए हैं, जो कि क्या है, एक एलिमेंट्स है, एक कंपाउंड्स है। एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम केमिकली डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, बट यहाँ पे हम कंपाउंड को देखेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड जो है वो क्या हुए हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके कंबाइन होके बने हैं। तो जब इनको केमिकली हम क्या करते हैं, जब इनको हीट दे देते हैं या फिर इनको कूल करते हैं, तो ये क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज जो है, ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है, साथ के साथ हमने देखा कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया है थ्री ग्रुप्स में, जो कि क्या थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हुए रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो इसे जरूर करें। साथ के साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। सो वी आर एंडिंग टुडे सेशन, सो बाय एवरीवन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।